बेशक तामीर की सैकड़ों इमारतें उन मजदूरों ने अफसोस अपने लिए चंद दिनों का आशियाना तक नहीं बना पाए। नमस्कार, समय भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ देव आशीष वर्मा। देश में आज कोरोना से त्राहिमाम मचा हुआ है, लगातार देश में आंकड़े आसमान को छू रहे हैं। आज ही की अगर बात करें तो देश में 2,70,000 से ज्यादा नए केस आए हैं। हालांकि इसको देखते हुए दिल्ली की सरकार ने 6 दिनों का राजधानी में लॉकडाउन लगा दिया है, जिसका असर अब लगातार जो मजदूर हैं उनके अंदर खौफ पैदा हो गया है, डर पैदा हो गया है। और इस वक्त हम मौजूद हैं कौशाम्बी बस स्टेशन पर, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो मजदूर हैं वो घरों की तरफ रुख कर रहे हैं। वापस वही वाली स्थिति आ गई है जो 2020 में जिस तरीके से मजदूरों ने दिल्ली से पलायन करना शुरू कर दिया था। वजह सिर्फ एक थी कि कैसे न करके जो मजदूर है वो अपने घर तक पहुंच सके, और एक बार फिर से वो स्थिति सामने आ गई है जब मजदूर हैं इतनी बड़ी संख्या में घर की तरफ वापस लौट रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए कि जिस तरीके से पीछे लोग खड़े हैं बकायदा घर की तरफ वापस लौट रहे हैं, बस इंतजार कर रहे हैं कि कैसे न करके वापसी घर हो जाए। क्योंकि 2020 में जिस तरीके से कोरोना संकट की वजह से लोगों को पैदल घर की तरफ चलना पड़ा था, ठीक वही कंडीशन, ठीक वही वक्त आ गया है जब लोग घरों की तरफ वापस संख्या में मुड़ रहे हैं। आप तस्वीरों को देखिए, कैमरामैन से कहूँगा जरा तस्वीरों को ठीक से दिखाएं, जिस तरीके से भीड़ यहाँ पर मौजूद है वो देखें। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो लोग क्यों वापस जा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? सरकार ये तो बहुत कड़ी नाराज नीति है, और जनता को 1 साल 1 महीना हुआ है इस कोरोना सिलसिले को, ये कोरोना सिलसिला पूरा नहीं हो रहा है। गरीबों को इतनी मारी हो रही है कि गरीब काम से परेशान है, अब घर जाने के लिए वापिस है उसके लिए बाहर का। आप इस वक्त घर जा रहे हैं क्या? हाँ घर जा रहे हैं। डर लग रहा है कोरोना की वजह फिर से कहीं लॉकडाउन हो गया फिर से? ये अभी चुनाव चला है तुम्हारा बंगाल के अंदर, वहाँ पब्लिक से पब्लिक जुड़ी हुई है, वहाँ कोरोना नहीं है, वहाँ सीट की लड़ाई है। और यहाँ केजरीवाल ने 2 दिन के लिए लगाया था, इतवार और शनिवार, इतवार 6 दिनों के लिए लॉकडाउन फिर से लग गया। अब ये 6 दिन के लिए कैसे बढ़ा दिया? आगे लॉकडाउन आगे भी लग सकता है, आगे भी बढ़ा सकते हैं, इनकी राजनीति है। मेरे साथ यहाँ पे कुछ और लोग, उनसे बात करने की कोशिश करें। आप सर, हमें जाना है नखलऊ। लखनऊ? नखलऊ के लिए सर, हमें आज तक कोई अचानक, कोई अभी पिछली बार फंस गए थे, अभी हमारे साथ 10-12 लोग और हैं, उनके अभी बस देख रहे हैं, तो बस के अलावा कोई चीज दिखी, आदमी के अलावा कोई दिखी। काफी ज्यादा यहाँ पे भीड़ दिख रही है, काफी ज्यादा भरे बसें भरी हुई हैं, कैसे के जाएंगे? तो वो तो सर देखें, यहाँ आदमी के अलावा बस कोई है ही नहीं, कैसे जाएंगे वो अभी देख रहे हैं, जाना तो सर है ही है, कैसे कैसे? सर हम तो जा रहे हैं अपनी वाइफ को खुर्जा छोड़ने के लिए। डर लग रहा है कि लॉकडाउन फिर से हो गया, स्थिति वही हो जाएगी? नहीं, स्थिति की बात नहीं है, पानी बेचते थे हम, अब पानी का भी रेट बढ़ गया, सप्लाई देते थे ठेला से टान के, अब औरत को बच्चे को घर छोड़ने जा रहे हैं, हमारे पास कोई साधन नहीं कमाने खाने का, अब मैं सोच रहा हूँ कि किसी तरह से इसको अपने घर छोड़। मेरे साथ यहाँ पर कुछ युवा भी, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है भाई, कहाँ जा रहे हैं? जाएंगे शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर शाहजहाँपुर से रहने वाले, यहाँ पे आप काम कर जाएंगे? सिलाई करते हैं। सिलाई, क्या लग रहा है अब फिर से लॉकडाउन की वजह से घर वापसी होती है? काम से जा रहे हैं, सब मैं वहीं का रहने वाला हूँ, जाऊँ तो जाऊँ, कैसे कितना जाम चल रहा है, सोचूँ मुझे 2 दिन का लॉकडाउन था तो 6 दिन आगे बढ़ गया, हम लोग समझे 2 दिन का लगे, इसीलिए मैं लोग यहाँ रुक गया था। अब जाएँ तो डर लग रहा है कि वापस वही फिर से कंडीशन वही दोबारा ना हो जाए, ना वही ना हो जाए, यही लग रहा है मुझको। मेरे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं, उससे बात करने की कोशिश करेंगे। अम्मा जी कहाँ जा रही हैं आप? किस वजह से लॉकडाउन लग रहा है? इसकी वजह से भैया भी, भैया आप घर जा रहे हैं भाई? घर जा रहे हैं वजह लॉकडाउन से, दिल्ली में 6 दिनों का लॉकडाउन लग गया है ना, और वैसे भी जाना पड़ता, शादी आदि थी ना, लॉकडाउन की वजह से तो जा ही रहे हैं। आप तो देख सकते हैं जितने भी लोगों से हम लोगों ने बात की, उनका सभी का यही कहना है कि लॉकडाउन की वजह से घर की तरफ वापसी कर रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा, एक बार वो तस्वीरें दिखाइए, देखिए किस तरीके से वहाँ पर भीड़ बेकाबू हो रही है। यहाँ पर साफ तौर पे देखा जा सकता है जिस तरीके से कोरोना नियमों का सरकार ने कहा है कि ठीक से पालन करें, अच्छी तरीके से उनको पालन करें, लेकिन बस स्टॉप पर जिस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर किसी भी कोरोना नियमों का पालन होता हुआ नहीं दिख रहा है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि मास्क पहने, यहाँ पर हालांकि ज़्यादातर लोग मास्क पहने हुए हैं, लेकिन जो 2 गज की दूरी बहुत ही ज़रूरी है उसको लोग कितना फॉलोअप कर रहे हैं आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। और
एक एक करके जो लोग हैं वो उतर तक नहीं पा रहे। ये तस्वीर देखकर भयावह है, यानी कि कह सकते हैं कि कोरोना कैरियर के रूप में ये लोग साबित हो सकते हैं। जिस तरीके से सरकार चाहती है कि लोग लॉकडाउन को समझें और स्थिति को समझें और घर में रहें, दूरी बनाकर रखें, लोगों के ज़्यादा संपर्क में ना आए, लेकिन इस वक्त जो स्थिति है यहाँ पर वो बेहद ही डरावनी है, चौंकाने वाली है। हालांकि अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं कि दिल्ली की तर्ज पर दिल्ली में जिस तरीके से 26 तारीख तक का लॉकडाउन लगाया गया है, उत्तर प्रदेश के पांच ऐसे जिले जो ज़्यादा कोरोना से प्रभावित हैं उन्हें भी लॉकडाउन 26 अप्रैल तक लगाया जाए। प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर नगर, वाराणसी और गोरखपुर, ये ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं कि यहाँ पर लॉकडाउन लगना चाहिए, क्योंकि कंडीशन सबसे ज़्यादा बेहद अगर ख़राब है उत्तर प्रदेश में वो इन पांच ज़िलों में है।